नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पटना विश्वविद्यालय का जब इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या है। आप पूरी इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कर लीजिएगा कि बीए हो या बीकॉम हो या आपका वोकेशनल कोर्स हो या आपका बीएससी हो, आपको कहीं पे भी पटना विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जब आप एग्ज़ाम देख के निकलोगे तो वहाँ पे आपका ओएमआर के साथ आपका प्रश्न पत्र भी छीन लिया जाएगा, आपको प्रश्न पत्र भी आपके साथ नहीं लाने दिया जाता है। तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है और एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि कहाँ से कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा का सारा डाउट क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट आपको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि पटना विश्वविद्यालय की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बेहद शानदार तरीके से एक कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें डिजिटल कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको एक जैसे कि आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे अनअकैडमी पर देखते हैं और सभी जगह पे देखते हो, वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। मैं आपके पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए 70,000 रुपये का लैपटॉप लिया हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए। HP का ईगो 103 TX। इसके साथ आपको पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए एक पेन टैब लिया हूँ, जैसा आप डिजिटल बोर्ड पर देखते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वैसा मैं आपको पढ़ाने के लिए एक पेन टैब लिया हूँ। ये पेन टैब लिया हूँ जिससे मैं आपको प्योर 3D में आपको पढ़ाता हूँ। तो आप भी हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और हमारे साथ आकर इस कोर्स में भागीदार बनिए और अपनी सफलता को पाइए। हमारी कोर्सेस क्या है, तो हमारी कोर्सेस हैं कि डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव क्लास गूगल मीट पे चलेगी, क्योंकि गूगल मीट पे इसलिए हम लोग लाइव क्लास चलते हैं कि आपको कोई वहाँ डाउट हो तो आप बोल सकते हो। डेली लाइव क्लासेस चलती है, डेली आपको एक अच्छी अच्छी PDF मिलेगी, जो PDF आपके एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे। आपका डाउट सेशन होगा, जैसे ही आपका क्लास ख़त्म होगा उसके बाद आप माइक अपना सब लोग ऑन करके बोल सकते हो। इसके साथ क्या टॉपर्स टॉक होगा, जो भी टॉपर्स पिछली बार रहे हैं, आप मेरी वीडियो को जाकर देखिए, 2020-2021 इन 200 साल में पटना विश्वविद्यालय से रिलेटेड वीडियो बनाया तो कितने लड़कों ने देखा, कितने पूरे YouTube पे सबसे बड़ा चैनल जो पटना विश्वविद्यालय का व्यूज के मामले में ऑल ओवर एवरेज व्यूज देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट मेरा रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट छात्रों के आगे आते हैं, छात्रों से बात करते हैं और उनसे रिलेटेड जितना भी जानकारियां होती है डायरेक्ट देते हैं। प्रोफेसर का सजेशंस आपको देंगे, आप मुझसे कॉल पे डायरेक्ट कॉल टू कॉल बात कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये सब हमारी कोर्सेस है। ये हमारा नीचे जो नंबर दो दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उसके नीचे दो फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है। अब कुछ लोग ही और बस इनरोल इस कोर्स में कर सकते हैं, उसके बाद कोर्स का फी थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जितनी टारगेट थी, जितने लड़के को पढ़ाने की थी, उतने लड़के आ जाए हैं। अब आप कुछ दिन के बाद यदि देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब जिस समय जितना कोर्स का प्राइस रहेगा उस समय आप आइएगा तो भी आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बरगलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हम आज एक अनाउंस और आपको कर देते हैं, बहुत बड़ी अनाउंस कर देते हैं, हम आपको डेमो क्लास फ्री देने जा रहे हैं। डेमो क्लास फ्री देंगे, फ्री PDF आपको देने जा रहे हैं, डेमो भी फ्री देंगे, आपको PDF भी फ्री देंगे। जैसा PDF मेरे आप बगल में देख रहे हैं वैसा PDF आपको मिलेगा। अब जो यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो आके डेमो क्लास आप कर सकते हैं, आके आप देख सकते हैं कि हमारी कैसे क्लासेस चल रही है। अब ये जो लड़के एक महीने के बाद वीडियो देख रहे हैं वो भी डेमो क्लास आके कर सकते हैं, तो आकर डेमो क्लास जरूर कीजिएगा। देखिए, चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आज का हम लोग का टॉपिक BA। तो BA में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे आप एग्ज़ाम दोगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कट ऑफ की बात करें तो कोई लड़का यदि 60+ लाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कहां से सवाल पूछे जाते हैं।
तो बीए में दो सेक्शन है, एक तो आपका जो 11th 12th में आप पढ़े जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इन सभी से 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो आप 11th 12th में पढ़े, जो आपका सब्जेक्ट है, डोमेन है, उससे पूछे जाते हैं। बाकी उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेक्शन बी, जो आपका सेक्शन बी है, उसमें कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपके मैथ पूछे जाएंगे, इसमें आपके रीजनिंग पूछे जाएंगे, इसमें आपके हिंदी इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, एक टीचिंग स्किल होता है जो आपके बीएड वगैरह में आते हैं, वो टीचिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 30 से 40 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके होता है, जिसमें आपका बिहार जीके होता है, जिसमें आपका करेंट अफेयर्स होता है। बाकी जो इधर 60 क्वेश्चन होते हैं आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सोशियोलॉजी से पूछे जाते हैं, कुछ में फिलॉसफी से भी पूछे जा देखे गए हैं पिछले साल के, पिछले साल कुछ क्वेश्चंस फिलॉसफी के भी देखे गए हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर वे में अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है इन चीज़ों को। ये रिकमेंड बुक के बारे में बताएं कि कौन सी किताब सर पढ़नी चाहिए, तो आपको एक किताब का नाम बताता हूँ बीए वालों के लिए, लूसेंट। अब लूसेंट इतनी मोटी किताब है, तो उसको कैसे पढ़ा जाए वो मैं आपको जो एक वीडियो में आऊँगा, तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यदि आप अच्छे तरीके से फिर भी तैयारी करना चाहते हैं, बीएचयू तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको अपने कोर्स में बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। अब बीएससी की बात करते हैं। अब बीएससी में 30 नंबर फिजिक्स, 30 नंबर केमिस्ट्री कंपलसरी है, 30 नंबर आपका मैथ होगा या 30 नंबर बायो होगा। बायो वाले बायो बनाएंगे, मैथ वाले मैथ बनाएंगे, 90 नंबर। और 10 नंबर का क्या होगा, आपका जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपका हो गया 100 मार्क्स। इकोनॉमिक्स की हम ये बीकॉम की हम लोग बात करें, तो बीकॉम में आपका 60 नंबर जो होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक से होगा, मतलब जो आप 12 में पढ़े हैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बिजनेस, ये आपके 20 20 20 मार्क्स के तीनों से सवाल पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा आपका जीके जनरल नॉलेज, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग, थोड़ा सा बिहार जीके और करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। यही है आपका सिलेबस। अब इसको आप कैसे तैयारी करते हो, कितना जल्द से जल्द तैयारी करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो वही है। बाकी आप हमारे साथ जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप पे आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्लासेस आपको मैं तो पहले ही बता दिया कि हम आपको आपकी क्लास देने के लिए हम 1 लाख का खर्च किए हैं, 1 लाख का खर्च किए हैं कि आपकी, और 1 लाख हम आपकी क्लास से कमाएंगे भी नहीं, हम मेरी 1 लाख कमाई भी नहीं होगी जितना हम उतना खर्च कर देते हैं। खर्च करने का पीछे बस एक ही कारण है कि जितना सपोर्ट पिछली बार दिए थे, आज भी कॉलेज के बाद जाने के बाद जैसे आप मुझे प्रणाम करते हैं, वैसे ही आप भी जब आइएगा तो मुझे बहुत अच्छे एक गार्जियन, एक टीचर से ज़्यादा, एक जो वहाँ के प्रोफेसर्स रहते हैं उनसे ज़्यादा बच्चे मेरे को इज्जत करते हैं देखकर। तो अच्छा काम हम आपके लिए करेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा। अब बाकी ये तो बातें होती रहेंगी, सभी जगह देख लीजिए, सब जगह संतोष मिल जाएगा आपको। उसके बाद यदि आपको लगे कि यहाँ भी देख लेना चाहिए, यहाँ भी कुछ करके देखना चाहिए, तो यहाँ पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। एक बार जरूर आइए, एक बार सेवा का मौका जरूर आप मुझे दीजिए। आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी सफलता में मैं एक जरूर आपका भागीदार रहूँगा, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत बड़ा खर्च करके आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।